हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटेसी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैच खेला जाएगा BECC वर्सेस BSVP के बीच। फ्रेंड्स, मैच खेला जाएगा, इसका मैं आपको टूर्नामेंट टीम देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अपनी टीम क्रिएट कर पाएँ। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की, तो इस मैच में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा वो मैं देने वाला हूँ, साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिससे कि काफ़ी चमन विन कर सकते हैं। अगर आप भी जो फ्रेंड ड्रीम लैंड पर बहुत सारा लॉस कर रहे हैं, आप जो है इसमें से रिलेटिव विनिंग टीम पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विनिंग टीम पाने के लिए। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की वेन्यू की, तो ये जो ऑस्टन पार्क क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाएगा, जहाँ की पिचेस ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहती है जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ही सपोर्ट करती है। खास करके यहाँ की पिचेस जो है पेस बॉलर को काफ़ी ज़्यादा इस पिच पे हेल्प मिलता है, बैट्समैन के साथ साथ पेस बॉलर को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मैच की फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, तो 99 के आसपास रहने वाला, वही सेकंड इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो तकरीबन 91 के आसपास रहने वाला है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने प्लेइंग 11 की तरफ। तो फ्रेंड्स प्लेइंग 11 की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग जो है इस मैच से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जब कोई इस मैच से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ आता है तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ लाइनअप आउट होने के बाद टीम भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स टेलीग्राम का लिंक वर्क नहीं करता है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाके आए थे फ्रेंड्स XYZ सर्च कीजिए, सर्च के आइकॉन पे XYZ जैसे ही सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा। अभी फिलहाल हमारे टेलीग्राम पे जो है तकरीबन 400 प्लस सब्सक्राइबर है, आप जबकि ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जब कोई इसमें से रिलेटिव कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट या न्यूज़ आता है डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया गया, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो आपको GL की टीम में प्रोवाइड करता हूं, तो अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे प्लेइंग 11 की, तो देखिए BECC की तरफ से जाहिद मोहम्मद और यहाँ से खालिद जमान ये दोनों जो है ओपन करते नजर आएंगे। दोनों का रिसेंट फॉर्म देखें तो काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ से फिर देख सकते हैं जाहिद मोहम्मद जो है अभी तक अपनी टीम के लिए 21 मैचेस के लिए जिसमें कि 390 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो फिर विकेट भी अपनी टीम के लिए 15 निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं खाली जमान की बात करते हैं तो फिर 16 मैचेस के लिए जिसमें कि अपनी टीम के लिए 276 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 19 निकाल के दिए, तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। अगर आप दोनों का रिसेंट टाइम फॉर्म देखेंगे तो दोनों काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं नंबर 3 की बात करते तो आप इसे अरसलान खान को ट्राई कर सकते हैं जो कि 27 मैचेस के लिए जिसमें कि 295 रन बना के दिए। अगर आप इनका रिसेंट टाइम फॉर्म देखेंगे तो ठीक ही ठाक है। अगर आप इसे फिर इनका एवरेज देखेंगे बैटिंग से तो ऑलमोस्ट 10 से 12 के आसपास का एवरेज है, हालांकि उतना कोई खासा तो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे बैटिंग से, लेकिन फिर भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिए। नंबर 3 पर आपको जो है वैशर खान खेलते नजर आएंगे जो कि अभी तक 16 मैचेस के लिए 90 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हो फिर विकेट अपनी टीम के लिए 35 विकेट निकाल के दिए 16 मैचेस में। अगर आप इधर इनका बॉलिंग से एवरेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 से 2 के आसपास का एवरेज है, हालांकि 2 से ज़्यादा का एवरेज है, लेकिन सिर्फ बॉलिंग से बैटिंग से अगर आप इनका एवरेज देखेंगे तो फिर 10 से भी कम है, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स बैटिंग से कितने बुरे फॉर्म में चल रहे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, अगर आप इनको अपनी टीम में ट्राई करो तो एज ए बॉलर के ही तौर पर ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन या फिर बॉलिंग सेक्शन में से कहीं 2 में से कहीं एक जगह में आपको दिख जाएंगे ड्रीम 11 में। बाकी जो फिर बात करते हैं नंबर 5 की, तो आप इसे चमिला भंडारा को ट्राई कर सकते हैं 8 मैचेस के लिए जिसमें कि 150 रन बना के दिए अपनी टीम को। ये भी एक एवरेज प्लेयर है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ फिर इनका एवरेज स्कोर 17 से 18 के आसपास का है, तो आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर लीजिए। नंबर 6 की बात करते हैं तो आप इसे योनिश को ट्राई कर सकते हैं 3 मैचेस के लिए जिसमें कि 60 रन बना के दिए। उतना कोई खासा इनका परफॉर्मेंस हुआ नहीं, तो फिलहाल आप अपनी टीम से इनको अवॉइड करके जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा। नंबर 7 की बात करें तो आप इसे सेनवारी को ट्राई कर सकते हैं 8 मैचेस के लिए जिसमें कि 95 रन बना के दिए, और ये भी उतना कोई खासा फॉर्म में है नहीं, लेकिन अगर फ्रेंड्स ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए, स्मॉल लीग में आप इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जा सकते हैं। नंबर 8 की बात करते हैं तो आप इसे असलम खान को ट्राई कर सकते हैं 20 मैचेस के लिए जिसमें कि 191 रन बना के दिए। ये भी एवरेज प्लेयर है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इनका मतलब एवरेज स्कोर देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ फिर 10 के आसपास का एवरेज स्कोर है, तो आप चाहे इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9 की बात करते हैं तो आप इसे ओमकार पाटिल को लेकर जा सकते हैं 9 मैचेस के लिए 70 रन बना के दिए। फ्रेंड्स फिलहाल आप इनको अपनी टीम से अवॉइड कीजिए क्योंकि हमें जो बॉलर की जरूरत है, और यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप इनका बॉलिंग से रिकॉर्ड देखेंगे तो एक भी विकेट
जो 9 मैच में विकेट मतलब एक भी विकेट ये नहीं निकाल पाए 9 मैच में, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कितने बुरे फॉर्म में चल रहे खास करके बॉलिंग सेक्शन से। वहीं नंबर 10 की बात करें तो आप इसे नासिर अहमद को लेके जा सकते हैं 14 मैचेस के लिए, जिसमें कि 17 विकेट अपने टीम के लिए निकाल चुके हैं, एवरेज प्लेयर है, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं नंबर 11 की बात करें तो आप इसे अली अब्बास को लेके जा सकते हैं 5 मैचेस के लिए, जिसमें कि अपनी टीम के लिए 4 विकेट निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा बीसीसी का प्लेइंग 11। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे बीएसवीपी की प्लेइंग 11 की। तो देखिए मतलब आफिक रजा और यहाँ से फिर फैजल खान ये दोनों ओपन करते नजर आएंगे। दोनों के अगर रिसेंट टाइम फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ से फ्रेंड्स आफिक रजा जो है तकरीबन 37 मैच इसके लिए, जिसमें कि 217 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं फ्रेंड विकेट भी अपनी टीम के लिए तकरीबन 2 निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं फैजल खान की बात करें तो 5 मैच इसके लिए 22 रन बना के दिए, विकेट की बात करते हैं 2 विकेट निकाल के दिए। अगर आप यहाँ से बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो फ्रेंड 4 का एवरेज है बैटिंग से, सोच सकते फ्रेंड्स कितने बुरे फॉर्म में चल रहे खास करके बैटिंग से, और बॉलिंग से देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक हर मैच में जो है मतलब एक से कम विकेट निकाल रहे, तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स मतलब उतना कोई खासा फॉर्म में है नहीं। अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे या फिर आप ज़्यादा बंदों वाली लीग खेल रहे तब ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हेड टू हेड 3 मेंबर या 4 मेंबर खेल रहे तो आप इनको अपनी टीम से अवॉइड करके जाए, आप इनकी जगह में आफिक रजा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं आप ऐसे अली चताना को ट्राई कर सकते हैं 9 मैचेस के लिए, जिसमें कि 79 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं तो अपनी टीम के लिए 1 विकेट भी निकाल के दिए हैं, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे 10 से कमी का एवरेज है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी नंबर 4 की बात करते हैं आप इसे विजय को ट्राई कर सकते हैं 66 मैचेस के लिए, 1652 रन बना के दिए। विकेट की बात करें तो विकेट अपनी टीम के लिए 55 निकाल के दिए, एवरेज प्लेयर फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, अगर आप इनका बैटिंग से एवरेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट रहते हैं फ्रेंड्स 24 से 25 के आसपास का एवरेज स्कोर है, हर मैच में 24 से 25 रन करके बना रहे। विकेट की बात करते फिर विकेट भी अपनी टीम के लिए 15 निकाल के दिए, यानी फ्रेंड्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से पॉइंट आपको करके देंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, अगर आप इनको ट्राई कर रहे तो ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते, थोड़ा कमी बॉलिंग करते नजर आएंगे, कभी कदाल एक आउट ओवर आपको बॉलिंग करते नजर आ जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी यदि फिर बात करते हैं नंबर 5 की, तो आप ऐसे मोहित नेगी को ट्राई कर सकते हैं 57 मैचेस के लिए, जिसमें कि 982 रन बना के दिए। विकेट की बात करते तो विकेट अपनी टीम के लिए 27 निकाल के दिए, आप चाहे तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 की बात करते हैं तो आप इसे साद जैन को ट्राई कर सकते हैं 25 मैचेस के लिए, जिसमें कि 270 रन बना के दिए, एवरेज प्लेयर है। अगर आप इनका एवरेज स्कोर देखेंगे तो फ्रेंड्स हर मैच में तकरीबन 10 के आसपास का एवरेज स्कोर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, और फ्रेंड्स ये ज़्यादातर आपको मैच को फिनिश करते हुए नजर आएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 7 की बात करते हैं तो आप इसे रोहित सिंह को लेके जा सकते हैं 27 मैचेस के लिए, 660 रन बना के दिए। विकेट की बात करते हैं विकेट भी अपनी टीम के लिए 16 निकाल के दिए, तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप अपनी टीम से इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही करते हैं, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे, और इनका हो सकता है कि फ्रेंड्स बैटिंग में प्रमोट मतलब इनको बैटिंग में प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि नंबर 6 या नंबर 5 भी इनका बैटिंग लाया जा सकता है। नंबर 8 की बात करते तो आप इसे सती गोयल को लेके जा सकते हैं 77 मैचेस के लिए, जिसमें कि 1623 रन बना के दिए। विकेट की बात करते फिर विकेट भी अपनी टीम के लिए 46 विकेट निकाल के दिए अपनी टीम के लिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 9 की बात करते आप इसे वकास वैकरन को लेके जा सकते हैं 17 मैचेस के लिए, 432 रन बना के दिए। विकेट की बात करते विकेट अपनी टीम के लिए 13 निकाल के दिए, हालांकि बॉलिंग से इनका मतलब उतना कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे प्लेयर, अगर आप इनका रिसेंट जो T10 मैचेस खेले हैं अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, हालांकि ज़्यादातर ये आपको बॉलिंग ही करते नजर आएंगे, बैटिंग ज़्यादा करते हैं नहीं। अगर आप इनका बैटिंग देख के इनको टीम में ट्राई करें तो फ्रेंड्स आप इनका बैटिंग देख के बिल्कुल भी टीम में ट्राई मत कीजिए। नंबर 10 की बात करें तो आप इसे वलीम अहमद को लेके जा सकते हैं 36 मैचेस के लिए, 1667 रन बना के दिए, जो कि नंबर 10 पे खेलते नजर आएंगे। विकेट की बात करें तो विकेट भी अपनी टीम के लिए 34 निकाल के दिए। 11 पे आपको जो साहिब सिंह खेलते नजर आएंगे 5 मैचेस के लिए, 9 विकेट अपनी टीम के लिए निकाल के दे रही, ये भी एक एवरेज प्लेयर है, आप चाहे तो इनका भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों टीमों का जो प्लेइंग 11 रहने वाला है, आप चलते फ्रेंड्स अपने ड्रीमैन टीम की तरफ। तो फ्रेंड ड्रीमैन टीम की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले अपनी ड्रीम टीम बना सके। तो अब चलते हैं अपनी ड्रीम टीम की तरफ।
बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे विकेट कीपर सेक्शन की, तो देखिए आप ऐसे भंडारा को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। सी भंडारा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, और अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे तो आप ऐसे भंडारा को ही ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में इनसे बेटर ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी ये दोनों थोड़ा सा रिस्क रहेंगे तो आप इन दोनों को ट्राई मत कीजिए, और ये तीनों भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कोई कन्फर्म है नहीं, तो फिलहाल आप इन सभी को अवॉइड कीजिए। स्मॉल लीग खेले या फिर ग्रैंड लीग खेले, आप फिलहाल यहाँ से भंडारा को ही ट्राई करें तो आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो आप ऐसे जो बैटिंग सेक्शन में फिलहाल तीन ही बैट्समैन को ट्राई करें, जिसमें कि एफ खान जे मोहम्मद रहेंगे, ये दो बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ से अहमद जई को लेकर जा सकते हो, जो कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो अगर आप चाहें तो इनका भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान देना, अगर आप टीम बना रहे हैं तो टीम बनाते टाइम एक बात आपको ध्यान देना, आप जो है बीएसवीपी का जो है कम प्लेयर के साथ जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये अभी तक एक भी इनकी टीम जो अभी तक एक भी मैचेस नहीं खेली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो आप ऐसे जो है चार ऑलराउंडर के साथ जा रहा, फिलहाल मैं भी चार ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, जिसमें कि आर सिंह बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, साथ ही साथ आप इसे के जमान के साथ जा सकते हैं। वहीं बात करते हैं तो आप इसे विरिक को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, साथ ही साथ बी खान को लेकर जा सकते हैं। वहीं लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं आर्ट डाविस को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। ये चार ऑलराउंडर जो आपके लिए बेस्ट है, आप इन चारों में से किसी को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो फिलहाल ऐसे में तीन बॉलर के साथ जा रहा हूँ, जिसमें कि लतीफ़ और अहमद, ये दो बेस्ट है। बाकी जैसे बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जैसे में एन अहमद को भी अपनी टीम में ट्राई करो, जो कि ये भी आपको खेलते नजर आएंगे। अगर आप इनका रिसेंट टाइम फॉर्म देखेंगे तो रिसेंट टाइम ठीक ही ठाक फॉर्म में लगातार अपनी टीम के लिए विकेट निकाल रहे हैं। अभी तक टोटल ये यहाँ से फ्रेंड्स ये पाँच मैचेस खेले, जिसमें कि लगातार अपनी टीम के लिए विकेट निकाल के दिए। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, ऐसे में बी खान को कैप्टन दे रहा हूँ, वहीं वाइस कैप्टन की बात करते हैं ऐसे में आर सिंह को वाइस कैप्टन दे रहा हूँ। हालांकि देखिए यहाँ से फ्रेंड्स अगर लाइनअप आउट होता है या फिर टीम में कोई चेंजेस होता है तो मैं अपने टीम में जरूर कैप्टन चेंज जरूर करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स बी खान उतने कोई खासा फॉर्म में है नहीं, तो इस वजह से मैं इनको हो सकता है कि फ्रेंड्स कैप्टन ना भी दूं। तो अगर आप लास्ट टाइम में अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बात करते हैं फिर टीम प्रीव्यू की, तो देख सकते ये मेरा टीम प्रीव्यू, अगर आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी बहुत टीम चेंजेस करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।